आज आप एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हर एक की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगी। ऐसी एक स्टोरी है ब्राउनी वेयर करके, जिसने एक बुक लिखी 5 regrets ऑफ द डेथ। जो मर रहे थे ना, वो ऑस्ट्रेलियन हॉस्पिटल में पैरामेडिकल थी, और वो एक ऐसा वार्ड था जहां पे लगता था कि भाई 3 से 12 वीक में उन लोगों का आखिरी सफर था, उसकी ड्यूटी वहां लगाई गई थी। तो वो बुक लिखी गोविंद भाई, तो उसमें क्या हुआ, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की 64 वीक्स तक बेस्ट सेलर थी बुक का, इट वॉज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। और उसमें क्या कि मरते हुए आदमी के 5 regrets, उसमें बड़े से बड़ा टाइकून भी था और गरीब से गरीब आदमी, पर सिमिलैरिटी क्या थी कि सबके मरते वक्त 5 regrets एक तरीके थे, 5 पछतावे जो है ना, अब्जोपति आदमी और गरीब आदमी के एक थे। पहला रिग्रेट, मैंने अपनी मर्जी का नहीं किया, मैं हरदम सोचता रहा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये लोग क्या कहने और लोग क्या सोचने में मेरा अपना पैशन, मेरी अपनी ड्रीम्स सब खत्म कर दी मैंने, और जब मैं आज मरने को आया हूं कोई मुझे मिलने वाला नहीं है। तो मैंने अपने मन मर्जी का काम नहीं किया, इट वॉज ए रिग्रेट। हजारों लोगों के में ये 5 regret कॉमन थे। दूसरा, मैं इतना ज्यादा क्यों दौड़ा, मैं इतना ज्यादा काम क्यों किया, मुझे इतना काम नहीं करने था, उतनी टाइम में मुझे मेरी फैमिली को टाइम देना था, मेरी माँ बाप को टाइम देना था, मेरे बच्चों को बड़े हुए देखना था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, पर आपको अपना यूथ एट द कॉस्ट ऑफ सक्सेस, अपना मेन यूथ नहीं गंवाना है। आप तीसरा फीलिंग, मैं इसमें खाली रोमांटिक फीलिंग नहीं है, फीलिंग कैसा कि मैं अपनी माँ को प्यार कहना कि भाई माँ तुझे मैं प्यार कहता हूं, कह नहीं पाया। मैं अपने फादर को कभी सॉरी नहीं कह पाया, और मैं अपने ब्रदर को नहीं कह पाया कि तुम मेरे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हो। तो जो आपके दिल के करीब है ना बॉस, उनको बोल डालिए, उनसे प्यार, उनसे जब होता है उनसे अगर प्यार करते हो तो बोल दीजिए प्यार करते हैं, उनसे जो भी है मन को अगर सॉरी कहना है तो सॉरी कह दीजिए, पर कहिए बॉस अपने अंदर की फीलिंग मत रखिए। ये तीसरा था। चौथा, अपने दोस्तों के साथ टच में रहो। अगर आपने अपने दोस्तों को भूल गए, आपसे ये गोल्डन एरा चल रहा है, वीडियो कॉलिंग कीजिए, मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, पर दोस्तों से कनेक्ट रहिए। अगर आप दोस्तों के साथ, तो आपको इतना बड़ा रिग्रेट होगा कि यार मेरा खास दोस्त थे और मैं इनको छोड़ गया। और पांचवा रिग्रेट था कि मैं अपने आप को खुश नहीं रख सका। उसने जो कॉलम भरवाया कि तुमको खुशी किया और अफसोस किया, तो खुशी के कॉलम तो थोड़े थे और अफसोस के कॉलम, तो खुशी क्या कि तुमने खुशी की चाबी दूसरों के जेब में डाल दी, तुम हरदम सोचते रहे दूसरे के हिसाब से अपने को चलाते रहे। तो ये जो है ना, अपने आप को खुश रखिए, और खुश रखना अपने आपके हाथ में है। और कोई भी मरने वाला मरते वक्त ये नहीं सोचता है कि मेरे पास कितने बंगले हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी ज्वेलरी है, वो ये सोचता है कि मेरे नजदीक के लोग मेरे पास है कि नहीं है। इसलिए लोगों से मिलते रहिए, जुलते रहिए, आनंद लेते रहिए।